डियर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक्निकल बैटरी 24 यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हर बार की तरह आज भी मैं आपके लिए बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि आप अपने लैपटॉप के कीबोर्ड के टूटे बटन कैसे सेट कर सकते हो। बहुत से फ्रेंड के लैपटॉप के जो है ना वो बटन टूट जाते हैं, जिससे उनको नया कीबोर्ड लगाना पड़ता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप अपने लैपटॉप के कीबोर्ड के जो बटन हैं टूटे हुए, आप ख़ुद भी सेट कर सकते हो। तो ये लैपटॉप है मेरे पास डेल 3340। इसका कंट्रोल का जो बटन है ये टूटा हुआ है, और एक ही बटन है कंट्रोल वाला, और ये बहुत ख़ास बटन होता है, बहुत यूज़ होता है। तो चलते हैं इसको कैसे बनाएं। फ्रेंड्स, मेरे पास एक एक्सटर्नल जो स्क्राइब में कीबोर्ड है, मैं इसे बटन निकालूंगा। ये कीबोर्ड स्क्राइब में पड़ा हुआ है। ये बटन मैं इससे निकाल रहा हूँ। फ्रेंड, यहाँ पे आपको देखना चाहिए, ये जो हिंजेस हैं ना कीबोर्ड के बटन के, जो हिंजेस होते हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं, ये नहीं टूटने चाहिए। इसको आप बहुत ही एहतियात से निकालोगे। ये बटन जो होता है इसकी वजह से ऊपर ठहरा होता है। ये मैंने निकाल लिया है। और अब हम इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, आप खुद भी कर सकते हो ये। इससे पहले जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हुए हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे इस तरह की लेटेस्ट आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुँच सकें। जी फ्रेंड, ये जो इसका बेस था वो मैंने लगा दिया है। अब हम इस पे लगाएंगे ये बटन। यहाँ पे इसको ऊपर रख कर इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे। प्रेस करने से ये खुद ही लग जाता है। तो देखें फ्रेंड्स, ये अब बिल्कुल ओके हैं, ये बिल्कुल सही काम कर रहा है, ये अपडाउन भी हो रहा है, पुश अप भी कर रहा है, ये सही है बिल्कुल। तो आप भी अपने लैपटॉप के टूटे बटन खुद से सेट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो मेरी पसंद आई हो तो सपोर्ट के लिए एक छोटा सा लाइक कर दें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।